मेरी फोदगी पे ऐसे दुख करो। ओ मैं आपकी फोदगी पे तो रो रो के ना अपनी आंखें बाहर निकाल ली। कुरान मजीद वगैरह पढ़ाने हैं। अच्छा मैडम को टोल के साथ सुनाएंगे। अरे तो हो जाओ टोल के साथ नहीं, मेरी बहुत तारीफें करनी है ज़्यादा ज़्यादा जब मैं फोद होंगी। अच्छा कहते हैं सबसे ज़्यादा लोग तारीफ करें ना तो फिर वो, और उसके बाद जो है लाइट चलाएंगे जब फोदोगे लाइट चलाएंगे। अच्छा तुम लोग पूरे रेडी हो फुल टाइम, मतलब चाहते हो कि मैं मर जाऊँ, मतलब अंदरों तक बंदा मर जाए हो। नमस्ते जियानु, खुश आमदीद, वेलकम, कैसे हैं आप सब? मैं ठीक ठाक हूँ। और आप सब ओए हेलो हाय, ईमान फातिमा, ईमान फातिमा आपने मुझे फॉलो नहीं किया, आपकी आईडी क्या है मुझे जो है वो कैसे बताऊँगी, यहाँ नहीं बताना फिर। और मैं आपको लाइव लेना था बट ओम कर हेलो हेलो जी हेलो बरिंदर वाले प्रशांत तालिया या यार इस पे ओ शिट, मुझे स्क्रीन रिकॉर्डर लगाना चाहिए था ताकि ये मैसेजेस भी बाद में शो होते। हाय जफर, मियां साथ घर में है बेटा और वो जजमेंटल में है, ही इज जजमेंटल, आई एम फंडामेंटल। हेलो जी, हाय सुखदीप, थैंक यू सो मच, लव यू बैक फ्रॉम लाहौर, पंजाब, लाहौर, पाकिस्तान, मुल्तानी फ्लैग मुल्तानी फ्रैंक मुल्तानी। अच्छा हाय, और कैसे हैं साहब? मिसेस ब्यूटी, मिस ब्यूटी नहीं मिसेस ब्यूटी, थैंक यू सो मच। वैसे इसमें मेरा मुंह इतना बड़ा आता है ना, ये करीब से मैं कम्युनिकेट कर रही हूँ और तो मुझे मैं कॉन्शियस ही रहती हूँ। बहरहाल थैंक यू आप लोगों की बहुत नवाजिश, मेहरबानी, शुक्रिया कि आप लोग जो हैं वो तारीफ़ करके मेरा हौसला बुलंद कर देते हैं, यू नो, लव यू गाइस। राम राम जी, राम राम, यू नो आपने राम राम लिखा है ना तो मुझे ऐसे ना वो इंडियन किसी मूवी का कैरेक्टर याद आ गया जिसमें कोई पंडित आता है तो कहता है राम राम। हाय संदीप सिंह, और कैसे हैं सब, कैसी गुजर रही है ज़िंदगी? यू नो गाइस, मैंने जो है ना एक हल निकाल ही लिया है अपनी बोरियत को दूर करने का, और वो है मैंने एक नावल पढ़ना शुरू किया है निम्र अहमद का, जो कि पाकिस्तानी बहुत फेमस जो है राइटर हैं, बहुत अच्छी राइटर हैं, उनके ड्रामे भी काफ़ी बन जो है उनकी नावल पे काफ़ी ड्रामे भी बेस्ड हैं और बहुत मशहूर ड्रामे, तो उनका एक ये नावल पढ़ रही हूँ मैंने कोई कल से आई थिंक जो है स्टार्ट किया है, डाउनलोड किया है प्ले स्टोर से, हालिम, HALIM या HALIM किस, और उसकी एपिसोड्स हैं यार 50 आई थिंक, अभी तो मैंने फोर्थ एपिसोड पे हूँ और बहुत मज़े का है, तो आप लोग भी अगर चाहें तो पढ़ सकते हैं, बड़ा मज़ा आएगा। इसके अलावा और क्या हो रहा है, ये मैसेजेस आने की बंद हो गए। हाय विकी, आई एम फाइन, मेक जोक ऑफ लॉकडाउन पर रिएक्शन दो प्लीज, मेक जोक ऑफ लॉकडाउन पर, ये किसका है? रायान अख्तर, मैं सबके जावा। सचिन कुमार, मैं ठीक ठाक हूँ सचिन। हाय आयशा, की हाल, थोड़ा वधिया जी वधिया, मैं थोड़ा बहुत वड्डा फैन हाँ, किड्डा वड्डा मैनू दसो, मतलब इमोजी मैनू दसो कोई एस्टिमेट, एड्डा 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 किड्डा वड्डा, हल्क जिन्ना वड्डा। और मैं आपकी बहुत ही हिंदी में वो क्या कहेंगे, मशकूर को, थैंकफुल को, या फिर मैं आपकी बहुत बड़ी कल रिएक्ट करो एक बाबा नानक सी बाय बबू मान। की हाल है जी पलवीर सिंह, आई एम फाइन, मैं थोड़ा बहुत बड़ा फैन संदीप साहब, लव यू मैम, इतने दिन आई नहीं आप, यार क्यों नहीं आई, अक्सर लोग पूछते हैं इंस्टा पे भी पूछते हैं लोग कि आप लाइव आ जाएं, और इस पे भी यार आई मीन पता नहीं क्यों मेरा दिल नहीं करता, बस घर में बैठ कर एक ही मैसेज आया मैंने, हंसा हंसा
फ्रेंड मुल्तानी तो ना बोलिए, मैं अहमद राना। हेलो जी, कैसे हो आप? हाँ जी, आप कैसे हो? मैं ठीक ठाक। अच्छा जी, कैसी कट रही है लाइफ क्वारंटाइन में? यार इट्स बकवास। कमलेश राना लव यू, शाउट आउट तो दो यार, वेट कर रहा हूँ भाई। सबके गेमिंग विद जफर कितना शाउट आउट दूँ? यस आई एम बैक। गुरदीप साहब क्या करूँ, बस यू नो गुड थिंग्स कम थोड़ा देर से आती है ना। कदर खो देता है रोज़ का आना जाना, बस यही सोच के आती नहीं हूँ कि ऐसा ना हो कि हमारी कदर ही ना रहे, मतलब बोर हो जाओ ना आपको। लव हर जगह, थैंक यू सो मच। और ओके मान, बब्बू मान की ओल्ड फिल्म हो आप, राइट? बब्बू मान जी बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, कितना बड़ा? हनी कद्दू के कदून, प्लीज़ मैं मुझे वो प्रोनाउंसिएशन नहीं ना पता। ऐसा आपने कैरी मिनाटी की नई वीडियोस का रिएक्शन दिया है, उसमें साउंड सिंक सही से नहीं हो रही है, प्लीज़ फिक्स दैट। ओ यस ड्रामेबाज, थैंक यू सो मच मुझे रिमाइंड करवाने के लिए। मैंने जो है अपलोड होने के बाद वीडियो देखी तो मुझे जो है ना ख्याल आया, और उसके बाद एज यू गाइस में मतलब शायद आपको अंदाज़ा हो कि मेरी शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है, जैसे ही फ़ोन रखा तो मैं भूल गई, तो अभी जो है ना मैं कहती हूँ यस यस मुझे भी आ रही थी। ट्रक पर के लव यू। अब मुझे इसका जवाब देना होगा, ट्रक पर के थे, थैंक यू जहाज़ भर के, और क्या होता बड़ा, शिप भर के। कोई फैन ऑफ योर क्यूटनेस कर रहा है, कोई स्वागत तो करो। ओए लवप्रीत सिंह आए हैं, स्वागत है जनाब। अच्छा जतिंदर सिंह जी, आपने हिंदी में क्या लिखा है मुझे समझ नहीं। मुझे अक्सर कुछ लोग हिंदी में लिखते हैं ना तो मुझसे पढ़ा नहीं जाता, तो मुझे लगता है अल्लाह कहीं बुरा भला ना कहा हो, बट मुझे उम्मीद है कि ऐसा हो ही नहीं सकता। और गाइस यू नो अभी जो है कब मैं गई थी, हाँ ये थर्सडे को GNN न्यूज़ चैनल है, पाकिस्तान का हाई रेटेड चैनल है, वन ऑफ दी क्या कहेंगे, हाँ वन ऑफ दी हाई रेटेड न्यूज़ चैनल ऑफ पाकिस्तान, और वहाँ पे जो है बहुत अच्छी उनकी होस्ट है, काफ़ी पुरानी एक्टर है, सिंगर हैं, होस्ट हैं, तो वो उनकी होस्ट चैनल उसकी होस्ट थी प्रोग्राम की, और उसमें मैं एज ए गेस्ट गई थी, मेरे साथ थे सीनियर जर्नलिस्ट थे, और इसके अलावा हमारे यहाँ के हॉस्पिटल के प्रोफेसर थे, तो बहुत मज़ा आया। तो जैसे ही वो अपलोड होगा YouTube पे भी और इसके अलावा चैनल पे भी लगेगा तो मैं आप लोगों को बताऊंगी, तो प्लीज़ ज़रूर देखिएगा और मुझे बताइएगा। वैसे मुझे बहुत डर लग रहा है कि आई डोंट नो कैसा हुआ होगा, वैसे इससे पहले भी काफ़ी इंटरव्यूज़ वगैरह मैंने दिए हैं, बट लेट्स सी कैसा हो। उसमें मुझे यू नो रैपिड फायर बहुत पसंद है, तो उसमें रैपिड फायर थे कोई 4-5 क्वेश्चन, तो उसमें बहुत मज़ा आया, और कुछ मैंने ऐसी रैंडम ब्लंट आंसर दे दिए, सो होपफुली कि मोहम्मद अहमद अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप सब? रायो चेट मॉर्गन, प्लीज़ इसको ट्रांसलेट भी कर दें, आपने क्या लिखा है बड़ी। संदीप सिंह थैंक्स वेलकम, की हाल जी, मैं पंजाब से, मैं भी पंजाब से। लाइट सही आ रही है? थोड़ा सा इस तरफ ना कर लेती हूँ लाइट, आई थिंक इस तरफ करूँ। आयशा आपने डिनर किया या दाल चावल खाए हैं सैलेड के साथ? हाय नेहा, हाउ आर यू, लव यू, तुम्हारा दिल बहुत साफ है। आपको कैसे पता? बट आई थिंक आजकल की दूर में शायद ये अच्छा नहीं है, क्योंकि जिस जो जितना साफ होता है ना वो उतना खैर। ट्रेन कह दो हाँ ट्रेन भी चाहिए। हाँ जी कितना जेलदार सुखा जोल, मुझे शाउट आउट दो। हाय अल्लाह, इस लड़के को कितना शाउट आउट चाहिए, कितना शाउट आउट चाहिए, गेमिंग विद जफर कितना शाउट आउट दोगे बड़ी भैया? यूट्यूब चैनल है, लॉकडाउन वीडियो पे ही पर रिएक्शन। ओके कल की हाल बाजी, राजवीर मंडल, मैं ठीक ठाक, आप कैसे हैं?
love Preet Singh, Nikki, and thanks for the roses. Kamal Power, I love you too, dear. Apna studio kids hi bana rakha apne. Kidsy? Kidsy? Kya wo? Apna bataya nahi ki aap PUBG play karte ho? Nahi karti na, Jinder. Main nahi PUBG play karti. Mujhe games khelni nahi aati hai. Na real life mein na. And I wish ki aati. Also, I love the POS to see. Thank you. सिलेक्ट हो जाओगे हैं मैं कितने सिलेक्ट होना अच्छा वैसे थैंक यू विकी जेलदार साहब बट सिलेक्ट किस में कह रहे थे वो इंटरव्यू में तो नहीं कह रहे थे ओहो वो इंटरव्यू जॉब के लिए थोड़ी था वो तो इंटरव्यू चैनल के लिए था प्रोग्राम था तो मैं उसके लिए कह रही थी कि पता नहीं कैसा होगा ये तो आप लोग या लोग देख के बताएंगे पता चलेंगे लोग कहेंगे अच्छा मोहम्मद अहमद थैंक यू होपफुली Happy at work. मैं ठीक ठाक तुसी किदा Hi कुलदीप मन ये मन का तो मुझे पता है मन मीन हार्ट कुलदीप का मतलब क्या है अच्छा पाकिस्तान में कितने दिनों का लॉकडाउन है पाकिस्तान में जो है वो पंजाब में 14 days का है 40 days अल्लाह ना करे 14 days का है और आज जो है सॉरी हाँ 14 days का है और 14 April को जो है वो खत्म सॉरी 21 days का पहले 14 days का था मेरी याददाश्त यू नो पहले 14 days का था पंजाब में उसके बाद इसको जो है 6 days 7 days और एक्सटेंड किया तो फिर 14 April तक तो कल जो है ये होपफुली एंड होगा और अभी मैंने न्यूज़ नहीं देखी है कि अभी इसको अल्लाह ना करे एक्सटेंड कर रहे हैं कि नहीं वैसे सिंध में तो आई थिंक कर दिया है शायद हाँ और आज इसको डिसाइड होना था डिसीजन होना था कि इसको एक्सटेंड कर रहे हैं कि नहीं तो अभी मुझे इस बारे में नहीं है बट अल्लाह करे कि यार मतलब अच्छा भी है हम लोगों के लिए ऑब्वियसली टू स्टे एट होम बट यार फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा हो रही है और ये बहुत मुश्किल हो रहा है घर में रहना ना इट्स उफ बट प्लीज़ स्टे एट होम इट डजंट मीन कि बाहर निकल जाए सुखदीप नागरा अच्छा थैंक यू जनाब आप प्लीज़ परमेश वर्मा के सॉन्ग पर रिएक्शन किया करो रिक्वेस्ट है ओके मनीष सहारा आप कहाँ से हैं प्लीज़ बता देना ना स्पान मसाला मैं लाहौर से हूँ पाकिस्तान से हूँ पंजाब से हूँ और फंडामेंटल से हूँ आपके दिल से हूँ हाय सोनू ज़्यादा क्यूट है माशाल्लाह थैंक यू जज़ाकल्लाह RNC पंजाबी म्यूज़िक आप कहाँ से हैं मोनू शर्मा पहले वाले चैनल पर क्यों नहीं आते क्योंकि वो जजमेंटल हैं और मैं जजमेंटल नहीं हूँ मैं फंडामेंटल हूँ तो इसलिए मुझसे जज नहीं होता बस इतना अपने अपना स्टूडियो किधर बनाया रखा है मेरा स्टूडियो मेरे घर के बहुत करीब है वॉकिंग डिस्टेंस पे कहाँ से हैं आप पाकिस्तान या इंडिया से जनाब पाकिस्तान से प्लीज़ बता दें वेयर आर यू फ्रॉम बता दिया यू सो क्यूट थैंक यू विक्की जेलदार जी ये वाला इमोजी किस लिए हाँ सिद्धू मूसेवाला का भी नया सॉन्ग आया है यस साडे वाला भी लव यू आ जी अज तो सच्ची तुसी गेंट लगते हो पूरी पंजाबी जट्टी पर मैं जानती हूँ मैं थोड़ी स्मार्ट हो जाऊँ दुआ करो कि मेरा थोड़ा मुंह कट हो जाए मतलब लाइक ये इतना बड़ा पंजाबी मैं जितनी कोशिश मर्जी कर लूँ मतलब यहाँ से पता चल जाता है कि पंजाबी है और यू नो ऐसे होना चाहिए स्मार्ट मैम यू शुड ट्राई एंकरिंग इन न्यूज़ चैनल कहाँ से फिर बता हाय अरसी पंजाबी म्यूजिक मैं पाकिस्तान लाहौर से हूँ रोनाल्डो हाय रोनाल्डो वो चैनल क्यों लीव कर दिया आपने मिस्टर एब्स ग्रुप
नो कमेंट्स. मैं खेलना सीख दूंगा अब. थैंक यू जेंडर. कमरे विच बारी है तू मैनू वेख लई हुन मेरी राया दत्त. मैम आप पूजा भट्ट लगते हो. गुरप्रीत दत्त. हेलो जज 1 2 3 4 5 6 7 8. आप किस स्थिति से हैं प्लीज बताएं. चीचू की मलिया से. पिछला चैनल क्यों छोड़ दिया. हाउ कैन मीट यू. आप कहाँ से हैं और एंड सी पंजाबी म्यूजिक बस का दो. यार यू आर डांस सेलिब्रिटी. कम बेस राना. आप सबकी दुआएं और मोहब्बत है. थैंक यू सो मच लव यू. अच्छा हेलो हेलो जी. यार हेलो हाउ आर यू से आगे बढ़िए प्लीज़. मतलब देखिए बात आगे बढ़ाइए ना. सलाम दुआ हाल चाल तो हो गया लेकिन अब कुछ आगे बात बढ़ाए ना. मतलब कितनी देर से मैं हेलो हाय करके थक गई हूँ. अब नाउ लेट्स टॉक समथिंग एल्स लाइक कुछ बात और की जाए. कोई सवाल जवाब कोई मज़े का और गाना प्ले करते हैं. तो मैं नहीं करता. पाकिस्तान में तो यार 3000 से आई थिंक अबव है बट अल्हम्दुलिल्लाह मोर्टेलिटी रेट जो है वो इतना भी नहीं है. वो कंट्रोलेबल है. कंट्रोल अंडर कंट्रोल है और अल्लाह करे कि इतना ही रहे. हाँ जी सचिन साहब आपकी शादी हो गई है. आप रिश्ता करवाते हैं. रॉयचर्ट मॉर्गन. कमलेश राना फ्रॉम यू हिमाचल. वाओ हिमाचल है ना जहाँ पहाड़ है ना वहाँ पे. ऐसा आप क्या यूनिटी के ओवरव्यू पर भी रिएक्शन दे दो प्लीज. ओके पहले वाले चैनल को क्यों नहीं आ रही. क्योंकि मैं फंडामेंटल में आ रही हूँ. मैसेजेस पर भी रिएक्ट करती हूँ सो लाहौर. आई वॉन्ट टू मीट यू प्लीज. आई एम फ्रॉम पाकिस्तान देयर लाहौर. आई वॉन्ट टू मीट यू प्लीज. वेयर फ्रॉम लाहौर आर एंड सी पंजाबी म्यूजिक. ओके जी ओके. डीजे वाले बाबू किस हमारे लिए गाना बजाएंगे आप. वो बंटाई का लगा दीजिए. खत्म करो ना. सो हमारे डीजे वाले बाबू प्ले कर रहे हैं आपकी भरपूर फरमाइश पे गाना खत्म करो ना बाय संग बाय एमीवे बंटाई. मालूम है ना मिस पंजाब से हो मैम. इधर मत लगाएं. कोरोना वायरस दुनिया के 166 देशों तक पहुंच गया. पूरी दुनिया में 2 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं और 8,600 से ज्यादा लोगों की मौत. मैं वीडियो देखूंगी और सुनो सैनिटाइजर लगाओ और सुनो कोरोना वायरस से बेटा ये कर्म है. कोरोना वायरस से बेटा ये कर्म है. कोरोना वायरस से बेटा ये कर्म है. कर्म है कर्म है. सभी देशवासियों को जनता कर्फ्यू का. हाँ कोरोना वायरस से बेटा ये कर्म है. धरती का गुस्सा है सबको ही डरना है. हमसे नहीं करना है पृथ्वी को गंदा. सब कुछ छोड़ के चल रहे बेटा बनना. चल बेटा बनना सही ना देख इंतजार है उस तारीख. कब होगा सही जब होगा सही. सबके जवाब पे एक ही सवाल है नहीं. घर बेटे में तो करो क्यों करे दिमाग का दही. बीमारी फैलेगा नहीं. कॉल करो बात करो उंगली को मिस करो. फेमस होनेगा तो मेरे को मिस करो. कुछ भी करो पर घर बैठो मिस करो. मम्मी और पापा को काम करो मिस करो. ए बाहर नहीं जाने का लाके बरसाने
हरा हाउस रेस्ट सब गुस्सा है ऊपर वाला कुछ भी तू खा रहा खाने को हलवा है गाजर है जमीन से निकला फ्रूट है हर चीज पे छूट है इंसानी बन गया भूत है आप अपने लड़ने जाती है और धर्म पे भूल गए इंसानी हेवन बने कोई का बच्चा नहीं बेमान बने दो दिन की दुनिया पे मेहमान बने हर चीज जीने का जाने का खाने का पीने का किसी से कुछ भी नहीं लेने का दिल खोल के देने का मैंने का पगार दूसरे का खा के तुम्हारे का डकार खुद को तो सुधारना मतलब ही दुनिया से मतलब है उधार बदलो के विचार दाल चावल अचार खा के कुछ रहे रस्ते में किधर भी खा को तो चुप रहे आपस में उठ रहे सबको सारा तुम जल्दी से सुन ले जनता कर्फ्यू का पालन करना साफ मानी किसानों को कर देना माफ अब से ना दोहराना पुरानी हरकतें फिर से ना मिलने का मौका इंसानों को सबक सीखने मिला सभी हैवानों को चलो लेके खत्म करें किसानों को घर पे रखो उपाय है दुनिया को बचाने हम ही सिपाही करो ना से डरो ना घर बैठो और खत्म करो ना जनता कर्फ्यू का पालन करना है थैंक यू डीजे वाले बाबू आई विश कि मैं करूं और बट प्लानिंग ही अभी तक हो रही थी करतारपुर जाने की और मुझे बहुत शौक है बट अभी तक जा नहीं सके थैंक्स फॉर रिप्लाई मी थैंक यू फॉर फ्रॉम यू मिस्टर थैंक यू जी प्रेम सोना वाणी आई होप कि आप बहुत खुश होंगे और जो है इंजॉय किया होगा यार क्या वीडियो बनाई है अम्मी मैम ने मतलब लिरिक्स तो थे ही थे ऑनेस्टली जो इससे पिछले वाला गाना था ना एक जिस पे मैंने रिएक्शन भी दिया था बैटिस्टा बॉम्ब मुझे वो पर्सनली इतना पसंद नहीं आया था उसकी वीडियो मुझे पसंद आई थी उसके लिरिक्स इतने बस ऐसे ही थे तो मतलब बस पसंद नहीं आए ना यार हो सकता है अच्छों लेकिन जो है ये वाला इसके लिरिक्स पे ऑसम थे मतलब बीट इतनी ज़बरदस्त और उसके लिरिक बड़े मज़े के और वीडियो क्या बनाई यार ऑसम ज़बरदस्त बहुत ही मतलब हंसते हंसते इतना ज़बरदस्त मैसेज दे दिया एमवी में बंटाई ने तो एमवी में बंटाई थैंक यू आपका और जी बिल्कुल पिटाई कर रही हैं हाँ कर रहे हैं बट लाहौर में वैसे ऐसा कुछ नहीं हुआ लेकिन बाकी जगह थे काबिल थैंक यू आदित्य विराट कोहली पे भी दो प्लीज हाँ विराट कोहली अनुष्का माय फेवरेट कपल तो सिंपल सा लगती है अच्छा जी प्लीज़ परमिशन अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम अमर भट्ट हेलो जी आई लव यू ढलीवाल एंड फाइन उमर भट्ट थोड़े पीछे वो भूता भूत डरा रहे हो मुझे हो जी नहीं हुंदी 47 विच लीक मंजूर ने नून बेबे दे लई ओनी सी लौट तो जरूर नून बे नून बेबे नू बेबे दी हो जे ना हुंदी 47 विच लीक मंजूर नू बेबे दी ले आनी सी लोड तो जरूर है ना जी दी लवी धलीवाल ये इतने क्वेश्चन मार के इसलिए सिंग वेट पाकिस्तानी पंजाबी जट्टी आयशा हमारी पॉसिबिलिटी मीट यू प्लीज आर एंड सी पंजाबी म्यूज़िक आप मुझे बताइए कोई ऐसी बात बताइए ना कि जैसे वो कहते हैं कि वाई शुड वी हायर यू तो आप भी कुछ बताइए ऐसे कि वाई शुड आई मीट यू बेटा कंट्रोल जतिन सरोया ए बी एस एंड थैंक यू फॉर रिप्लाई मी सिद्धू मूसेवाला एंड यस दिलदानी माड़ा Are you a college student? No. I'm professional of working. Female. Abhi dinner. I'm late. Kya kha rahe ho?
yet, Manender Singh. Don't try to scare me, okay? Or I to already. Sukdeep Nagra, itni jaldi so gaye. Gunna chanda ma dio. Okay, ji, ghuma dete hain Ranjit Singh. Okay, main song likhya si to already. Oh yes, yes. जेलदार सुखा जोहल आपने सॉन्ग लिखा था. यस 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 गुड. आप ऐसा करें मुझे यहीं पे जो है ना अभी ऐसे करके सेंड करें और मैं उसको यहीं पे पढ़ती हूँ. ठीक है, गुड, थैंक यू. बोलो कदो सुनान जी. सुन आप क्या तो मुझे शेयर कर दें या फिर जब मैं इंस्टा पे लाइव आऊँगी तो फिर आपको लाइव ले लूँगी तो फिर तब आप सुना दीजिएगा जैसे आप चाहें. हाय रागम सिंह सिंह सिंह. हाय सिंगा, मैं भी नियर लाहौर से हूँ, आपसे मिलना है प्लीज. हाउ कैन मीट. देखूंगी सोचूंगी कल परसों बोलूंगी आरसी पंजाबी. स्टे एट होम अभी लड़के. कोई सॉन्ग ही सुना दो, मतलब मुझसे तो सुनने का मत कहना अगर अपने कानों पे का थोड़ा ख्याल है और तबीयत जो है ख़राब नहीं करवानी. वैसे अभी तो गाना सुना है मैंने, ख़त्म करो ना. किन्ने कत्ल किए आपने अपनी क्यूटनेस से. आई विश मैम यू आर सो क्यूट. पुराना चैनल प्रीत एरिक. छोड़ दिए वो काम जिनके बुरे थे अंजाम. यार वो जजमेंटल थे ना देखो, और जजमेंटल होना बहुत बुरी बात होती है यू नो. तो इसीलिए मैं फंडामेंटल हो गई, क्योंकि फन करना तो अच्छी बात होती है और दूसरों को भी हंसाते रहना, खुश करना, एंटरटेन करना. सो इसलिए ठीक है. आई होप मैं बच गई, जवाब सही दिया. आप लॉकडाउन करते रहे. आई एम फ्रॉम यूपी. ओके, कितना फ्रॉम पंजाब इंडिया. हाय मैं बढ़िया. प्रीत तो मेरे नाल व्याह कर ले, लेख बेबे ना सलाह कर ले. हाँ ये कर. न्यूज़ चला दिया मैडम. कौन सा न्यूज़ कौन सा. कहते हैं मैम कि पाकिस्तान का पीएम कब्रें खुद रहा लोगों के लिए. हाय अल्लाह, कब्रें क्यों खोद रहे हैं वो, क्या गोरखन है. नहीं यार वाह, अल्लाह ना करे. मतलब किस सेंस में आप कह रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है. एंड प्लीज़ पॉलिटिकल गुफ्तगू हमारे यहाँ मना है, सेहत के लिए हानिकारक होती है. और लॉकडाउन में कुछ ज़्यादा पॉलिटिक गुफ्तगू करें तो हाजमा ख़राब हो जाता है, क्योंकि आम रूटीन में अगर हम पॉलिटिकल बातें करेंगे तो हमारे पास ऑप्शन होती है कि हम अपना हाजमा दुरुस्त करने के लिए और उसको हज़म करने के लिए थोड़ी बाहर की हवा खाएं और दिमाग जो है वो कूल डाउन हो जाए. लेकिन क्योंकि अभी हम ऐसा नहीं कर सकते और हमें जो है जहाँ बैठे हैं वहीं बैठे रह के जो है मज़ीद गुस्सा चढ़ाना है तो वो जो है ना डबल हो जाएगा. तो इससे बेहतर है कि अवॉइड पॉलिटिकल गुफ्तगू. ओके बाय सुखदीप नागरा. सुपर हिट बाय एमीवे. अब भी एमीवे का लगाया था भाई. कमलेश राणा जी, वरिंदर सिंह, थैंक यू. वरिंदर सिंह भी लगता बहुत पसंद था सॉन्ग प्रीतो वाला. आहो अब्राल हक का एक उनका वो भी था ना, बिल्लो साथ जाना बिल्लो देकर, किन्हीं किन्हीं जाना बिल्लो देकर. टिकट कटाओ लैन बनाओ. आप जहाँ बैठ कर बनाया करो वीडियो, कहाँ बैठ कर. ओ यार मनिंदर, इतने मैसेज. प्रीतो पाकिस्तान के शायर हैं, तहजीब हफी, उनकी पोइट्री पर रिएक्ट कर ए, इंडिया फैन प्लीज़. ओके ओके प्रीत, वाकई वैसे वो बहुत ही मज़े की, और उनका अंदाज़े बयां जो है वो भी बहुत ज़बरदस्त है. मतलब अंदाज़े बयां, आई होप कि आपको उनको समझ लगी होगी ना, मतलब जो वो बयां बोलते हैं उसको जिस तरह वो शायरी पढ़ते हैं तो वो शायरी और ज़्यादा खूबसूरत लगती है ना. ओए प्रीतो, मैं लेट तो नहीं हो गया. लव प्रीत सिंह लेट हो गई सी, पर कोई गल नहीं. हाय तेरा हंसना ड्रामे पास रश.
हाँ यार एम नो फेक नो प्रैंक, वाह इतना लंबा नाम, आर एम नो फेक नो प्रैंक, वाह वे प्रीतो दे आ गई पूरी लाइफ। हाय बलजिंदर जोसन, मेरा फेवरेट सिंगर, मेरे फेवरेट सिंगर यार बहुत से हैं अभी तो मेरे जहन में एकदम। मुझे बहुत पसंद है, मतलब इंडियन तो बहुत ही ज़्यादा है, आप किसी एक का कहना तो बहुत ही ज़्यादती हो जाएगी, मतलब हर इरा के डिफरेंट डिफरेंट हैं, जैसे सोनू निगम थे, अभी अरिजीत सिंह हैं, अरमान मलिक हैं, और ए आर रहमान के जो गाने हैं जो वो खुद गाते हैं और उनको कंपोज करते हैं वो भी बहुत ज़बरदस्त हैं। शान मुझे बहुत पसंद थे, के इसके अलावा वो थे यार वो जिन्होंने एक ही सांस में गाना गाया था बहुत ही लंबा, ब्रेथलेस आई थिंक उनका गाना था, क्या नाम था उनका, शंकर, या शंकर, और कौन कौन है, काफ़ी हैं, और मैं फनी मैं फंडामेंटल पे हूँ। हाय प्रदीप मेहता, मेहता सब कैसे हैं? अच्छा जी देवदार सुखा जी, इंस्टाग्राम पे फिर मैं फिर इंस्टाग्राम पे पता नहीं कदों आवाँगी, यू नो थोड़ी सुस्त हूँ मैं, माय फैमिली नोस, तेन कितनी सोडी हो हैं, मैं सोडी हूँ, मैंने समझ नहीं लगी, आर एम नो फेक नो प्रैंक प्लीज। आकाश से तो सुखा कह लूँ है ना, बड़ी मैं गल्ला सुनिया लोगों को, लोगों ने मैंने इन्ना क्या, मतलब ना नहीं लेना होता, तेरे रिएक्ट ना करो यार। एक्चुअली मैं आप लोगों को बता दूँ कि नाम इंडियन जो होते हैं ना, अब जैसे पाकिस्तानी शायद कुछ नाम, या हम कोई इंग्लिश जो नाम, फ्रेंच नेम, या इस तरह के डिफरेंट जो लैंग्वेजेस के नेम हैं जो उनकी लोकल लैंग्वेज मतलब उनकी है, तो वो हमें नहीं प्रोनंसिएशन पता होती सही तरीके से, तो हम उसको अपने अंदाज में लेते हैं तो नहीं पता चलता, तो इसलिए प्लीज़ गाइस आई रिक्वेस्ट यू ऑल प्लीज़ डोंट माइंड, वो ऐसा जानबूझ के नहीं होता है और मैं प्रिटेंड भी नहीं करती हूँ, मुझे मतलब जैसा हो जो बोला जाता है या जो हो रहा होता है मैं बिल्कुल वैसे ही लाइव उस पर होती हूँ, बेशक वो रिकॉर्डेड वीडियो होती है लेकिन उसमें कटिंग बिल्कुल भी नहीं होती है, मतलब चाहे वो मैं कोई ऊट पटांग चीज़ उसमें कर रही हूँ, कुछ भी गलत बोला जाता है कुछ भी, तो मैं चाहती हूँ कि मैं जब आपके सामने आऊँ चाहे वो रिकॉर्डेड हो या लाइव हो तो वो मैं वैसे ही आऊँ, मतलब उसमें कोई बनावट ना हो, जो कि मेरी ज़ाती ज़िंदगी में भी मुझे बिल्कुल नहीं पसंद बनावट, इंसान को बिल्कुल जो है ना फिल्टर्ड नहीं होना चाहिए, उस पर कुछ जो है ना वो नहीं होना चाहिए, नकाब नहीं होना चाहिए, तो मैं बस ऐसे ही हूँ जैसी आ जाती, मुझे ऐसे लगता है कि जितना आप नेचुरल या जितना आप लोगों के साथ रिलेट करके उनको, तो वो ज़्यादा आप कनेक्ट करते हो, लोग आपको अपना समझते हैं, तो इस वजह से वो, तो प्लीज़ गाइस परफेक्शन ना ढूंढा करें, माफ़ कर दिया करें, कोई बात नहीं, गलतियाँ हो जाती हैं बड़े बड़े शहरों में, बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें हो जाती हैं। सिनोरिटा आपकी लाइव स्ट्रीम में सिर्फ एक ही सवाल चलता है कि जजमेंटल क्यों छोड़ा, आप एक काम करो पीछे दीवार पर यार वैसे आपकी इस बात से ना वैसे मतलब ये तो गलत नहीं हो गया यार, मतलब मेरे सर मेरी ना मतलब प्री तारीख जजमेंटल अनसब्सक्राइब कर दिया, इस पर मैं खुश हूँ या मैं मतलब मैं मुनाफिक क्यों, बट नहीं गाइस छोड़ दो, व्हाट आई से कमलेश राणा, हाँ सवाल को वो क्वेश्चन मार्क आए थे ना इसलिए शायद मैंने आपको पूछा था कि एटेकम मनु सिंह हाय, ओके सॉरी फॉर दैट कमेंट कब्रे वाला, आप तहजीब हफ्फी सर पे रिएक्ट करें, ओके शूटर मूवी नहीं देखी यार मुझे जो है मेरी फ्रेंड ने कहा था कि उसने देख लिया और वो मुझे जो है ना वी ट्रांसफ़र कर देगी उसका लिंक वो डाउनलोड करके, तो उसने नहीं किया, उसके बाद जो है मुझे वैसे भी टाइम नहीं मिला, मतलब अब ये कहना इन दिनों में कि क्वारंटाइन में भी टाइम नहीं मिला, तो एक्चुअली मुझे ये लग रहा है कि क्वारंटाइन में मैं ज़्यादा बिजी हूँ, मतलब घर वालों के साथ इतना टाइम नहीं दिया, और अब मुझे ये रियलाइज़ भी हो रहा है घर पर रह के कि मैं वाकई घर पर बिल्कुल ध्यान नहीं था मेरा, सो कमलेश कोरोना वायरस कब ख़त्म होगा, लक्ष्य सिंह क्या आपको मैं ज्योतिषी लगती हूँ या मैंने आपको जो है किस्मत का हाल बताना बताया कभी,
मुझे अपना नहीं पता कि क्या हो जाएगा, बट ऐसा होपफुली उम्मीद है, दुआ है कि जल्द अज जल्द खत्म हो हो, क्योंकि बस यार अब खत्म करो ना। सुखमीत मरल मेरी नईम शहजाद वालेकुम अस्सलाम। यार किसी का मैसेज मिस हो जाए तो प्लीज़ डोंट माइंड। आज इंटरेस्टिंग वीडियो, हाय, व्हाट यू थिंक अबाउट सुनंदा शर्मा है उसका नाम, या सुनंदा शर्मा, मैनू नहीं पसंद, बट शी गॉट गुड बॉडी, या और सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव रहती हैं, और उसमें नहीं उसका बट मुझे ठीक है, बस मैं पर्सनली नहीं जज कर रही हूँ, जस्ट वो एज ए सेलिब्रिटी जज कर रही हूँ, और बस ऐसे ही मुझे नहीं मिलता। प्लीज़ डोंट माइंड, ये पर्सनल ओपिनियन थी तो इसलिए दिल पे नहीं लेना, दिल पे मत ले यार। लव यू इतना सारा रायान, तो लव यू बैक इतना सारा, थैंक यू। ओह हाय रजा हैदर, एनी लेट, यू आर लेट अगेन, वेरी बैड, यू ऑलवेज कम लेट, ओके। रोहित कुमार लव यू। मनिंदर सिंह व्हाई आर यू अनसब्सक्राइबिंग, ओले एने प्रीतो क्या सी डीजे वाले बाबू, सब्सक्राइबर नाराज हो रहा है यार, कि मैं यहाँ पे डीजे वाले बन के यहाँ पे प्ले करूँ यार, कम एक्चुअली मेरे से दूर है वो सिस्टम, तो मुझे जाना पड़ेगा वहाँ पे, तो डीजे वाले बाबू ज़रा कमरे से बाहर गए हैं, तो वंस ही विल कम बैक, तो आई विल ट्राई टू प्ले प्रीतो में नव्या कर ले। बलजिंदर नहीं देखी, देख ली भाई, मैं नहीं देखी। मैम तुसी बहुत गोलू मोलू, आई विश के आप कहते कि मैम हम कितनी स्मार्ट हैं, और आप जो है यू लुक लाइक अ, तो मुझे बहुत खुशी होती, बट यू नो क्या करूँ, मतलब लाहौरी हूँ ना, ऐसी मूड खुल जाते हैं। पूरी ट्रू, आई एम बिग फैन ऑफ यू, पूरी धन्यवाद, थैंक यू सो मच, यू के अमो सिनेरेटा, आपकी इन्हीं बातों से लव हो गया है यार, किमें हो जी, किन्हीं बातों से, इन्हीं लोगों, प्रदीप बात, ये बात क्यों नाम रखा है, साडा फ्रेंड सी वीर सी, हाय आई विश के वो जिंदा होता तो सुखा गालू की वीडियो आती, तो फिर हम उनको जो है आपके तवस्सुत से, मतलब थ्रू यू जेलदार साहब, हम उनको लाइव लेते, उनसे बात करते, ओ माई गॉड मुझे भी मज़ा आता। आप हिंदी लैंग्वेज बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाते हो, हिंदी लैंग्वेज जो लिखी होती है वो तो नहीं पढ़ पाती ना, मतलब जो रिटन में है वैसे समझ तो सकते हैं, क्योंकि जो है हिंदी और उर्दू जो है वो आपस में मेरे ख्याल में जो है कज़न और बहनें ही हैं, क्योंकि बहुत मिलती जुलती हैं, हिंदी जो है जो उर्दू ज़ुबान है वो लश्करी ज़ुबान है, और इसमें बहुत सी डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, अरबिक, संस्कृत और हिंदी और भी डिफरेंट हैं, तो इस वजह से जो है समझ आ जाती है। स्मॉल नेम कर लिया आपके लिए, राम मिश्रा, या वो तो नहीं है वो राम मिश्रा, या आपने अभी वो जो आर एम नो फ्रैंक नो फ्रैंक वो वाले, वो है आपके स्कूल में कौन कौन से सब्जेक्ट्स कंपलसरी होते हैं? कंपलसरी जो है वो इंग्लिश होती है, इस्लामियात होती, लेकिन इस्लामियात तो वो ऑप्शनल होती है, इलेक्टिव भी होती है, क्योंकि उसमें जो नॉन मुस्लिम्स होते हैं उनके लिए एथिक्स का एक सब्जेक्ट होता है, तो इंग्लिश होती है, उर्दू होती है, जनरल साइंस होती है। हाय हाउ आर यू मुजाहिद मलिक, हाय मुजाहिद, जान ले वाह वरिंदर सिंह, मेरा नाम बोलो प्लीज़, गुरप्रीत
समूलन ना ऐसे ही है ना ससुराल गेंदा राम मिश्रा जी. अच्छा जी आई एम वेटिंग फॉर यू राम मिश्रा. कहाँ पे मैं कब का देख रहा हूँ कमेंट अभी किया मैम. अच्छा ओके मनिंदर सिंह दांत निकल रहे हैं बहुत दांत निकलते हैं तुम्हारे अब भी तुमने डरा दिया तुम से क्या है ऐसे मत कहा करें तुम्हारा दिल दुखता है. एटी व्लॉग्स गुड नाइट बाय. पहला कमेंट और पहले कमेंट में ही गुड नाइट. मेरा मैसेज रीड नहीं किया लवप्रीत सिंह कौन सा वाला हाय अल्लाह. ओ बलजिंदर सिंह ओके बलजिंदर हाँ कल भी लाइव आना. हाय चेतन छोटा चेतन कैसे हो. Can you suggest me some of the best Pakistani movies I wanna see, please? Best Pakistani. खुदा के लिए must watch. शान की मूवी है खुदा के लिए. और अभी जो है यार पर अभी तो वो आज रिलीज़ होनी है छोटी आई थिंक रिलीज़ होगी द लेजेंड ऑफ मौला जट. वो पुरानी फिल्म थी बहुत पुरानी और उसको उन्होंने रीमेक किया है फवाद खान और जो है हमजा अली अब्बासी और माहिरा खान उसमें है तो वो बहुत ज़बरदस्त होगी. लेकिन वो भी रिलीज़ होनी है. उसके अलावा शान की जो है मूवी है सुपरस्टार पाकिस्तान की शान उनकी मूवी है खुदा के लिए उसमें ईमान अली भी हैं वो बहुत अच्छी है उसमें फवाद खान भी हैं वो और उसमें नसीरुद्दीन शाह भी हैं वो बहुत अच्छी है. इसके अलावा जो है मुझे याद नहीं आ रही क्योंकि मैं बहुत कम यस है वो ही हूँ नो फैन फेक नो फैन. ओके पाकिस्तान में हिंदूज भी रहते हैं बिल्कुल रहते हैं क्यों नहीं रहते हैं. सुखमीत जी आपने मेरी शादी पर भंगड़ा डालना है. कमलेश रानू जी आपने सुपरचैट की है मेरे दिल में आपका वेट. मैं अमृतसर पंजाब से हूँ मेरी नानी भी वहाँ से है. फीवर हो रखा है इसलिए जाना पड़ेगा. गुड नाइट. ओ प्लीज़ गुड नाइट टेक केयर और प्लीज़ गेट वेल सून. ओके पीछे वाला बाबू कितने मर गया. पीछे वाला बाबू पता नहीं कितने मर गया लगता सो गया. इंक सॉन्ग पे रिएक्शन करो आपके अपने लगते हो ते बहुत प्यारी होती है आपकी एंड रिएक्शन भी आपका बहुत. थैंक यू सो मच राम. फक्ता तमीन दसो फक्ता फाख्ता फाख्ता प्रीत अरे डू यू मीन फाख्ता. फाख्ता जो है वो डव होती है परिंदा है तो अगर तो आप फाख्ता कह रहे हैं तो इट मीन्स कि वो परिंदे का नाम है फाख्ता डव डव. और आप पता नहीं आप कौन सा फाख्ता. आपकी आंखें बहुत सुंदर हैं जी. अच्छा जी थैंक यू हैप्पी बी हैप्पी. कितने भाई बहन हैं. मेरे जो है एक बड़ी बहन है और एक मैं हूँ. हाँ एक ही मैं अपनी टाइप का एक ही पीस हूँ. एक बड़ी बहन है अल्हम्दुलिल्लाह एक मैं हूँ एक मुझसे छोटा भाई है. यस हाँ तो प्रीत फाख्ता होती है वो फाख्ता इज डब. शब्बा खैर सॉरी मनिंदर better luck next time but stay connected. You are so similar like my ex. Ex? Oh, XYZ. Himanshu. गुस्सा तो नहीं आता मुझे देख के हिमांशु लोधी एक्स पे पता चले एक्स का गुस्सा इधर निकाल. फाख्ता या इट्स नॉट फाख्ता प्रीत एरिक इट्स फाख्ता. अगर इंग्लिश में इसको लिखेंगे तो रोमन में ये लिखेंगे एफ ए के एच टी ए फाख्ता. और अगर उर्दू में इसको लिखेंगे तो फेल फा खे खरबूजे वाला ते और हे ऐसे. कैनेडा कदों आना जदों तुसी वीज़ा भेज दो. जी उर्दू वर्ड है. आप बहुत क्लोज हो गई सभी की
मैं पिछले लाइव में भी था गुरप्रीत सब, मुझे समूरन से याद है आपका बिल्कुल, क्योंकि आपका नाम ये समूरन जो है ना वो मुझे लेना थोड़ा मुश्किल होता है, तो मुझे कंफ्यूजन होती है, पता नहीं ये क्या है, कि मैं गलत तो नहीं ले रही। मैम अगर आपसे मिलना हो तो क्या करना पड़ेगा? लॉकडाउन का इंतज़ार करना पड़ेगा ख़त्म हो, और उसके बाद जो है प्रधानमंत्री साहब से कहना पड़ेगा कि दोनों तरफ की जो वो ट्रांसपोर्टेशन है उसको चला दें, तो आ जाइएगा। थैंक यू हिमांशु। हाय कुत्ती होगी, प्लीज वो कर लो ना, दोस्ती कर लो, ये वाली गई ये वाली, याद है बचपन में कभी किया है वो, हम ऐसे करते थे, कच्ची वाली या पक्की, ये कच्ची होती क्या है या पक्की, दोस्ती कर लो ना ऐसे करके कहते थे हम फ्रेंड्स को। आज फंडामेंटल चैनल की ओनर आप ही हो या फंडामेंटल आपकी टीम का चैनल है? फंडामेंटल अल्हम्दुलिल्लाह मेरा चैनल है और मेरे साथ मेरी टीम है, इसके अलावा और भी बहुत से जो हैं वो भी हमने चैनल के साथ काम करना है, मतलब ये मेरा अपना पर्सनल चैनल है, और अगर मैं किसी और चैनल के साथ आपको कहीं और पे नज़र आऊँ या कभी बताऊँ तो वो हो सकता है कि मेरा चैनल ना हो, क्योंकि और भी बहुत से चैनल्स के साथ काम करते हैं या उनके लिए काम करते हैं या फिर जो है, तो अभी मेरा यही है कि अपने ही चैनल के लिए काम करूँ। तो हाय केड़ा कमेंट, सॉरी जेलदार साहब, मैंने हवालदार हवालात सुना सुट देना, सॉरी मैं मिस कर देता, आप पंजाब आओगी तो संगरूर आना, संगरूर वो कहाँ है? हाय अच्छा एज एज इंटरेस्टिंग वीडियोस, हाय बाय जेलदार, क्यों यार जिसने लॉर नहीं देखी है वो वन की देखिया, उन्हें की देखिया वो जमया ही नहीं, जिन्हें लोर नहीं देखिया जमे यानी मेरी लिपस्टिक तो नहीं है, लोर लो रे भले भले तो खा लो दही खा लो। इट्स एस एस बी, आई विश दुआ करें कि मैं जल्दी से आऊँ और ज़रूर आऊँ, यू नो वाओ मज़ा आ जाएगा, यू नो आप जिस मेंटल पर क्योंकि मैं फंडामेंटल पे हूँ ना यार, ऐसी बहुत बार रिएक्शन किया, ऐसी बहुत बार रिएक्शन किया किस पे? हेलो कौन जी, हेलो इट्स मी आयशा, अमृत इज देयर, अमृत जरार रियार स्पीकिंग, जमिया नहीं जिन्हें देखिया नहीं लोर वो देखे कला नोर कलानोर के। थैंक्स आयशा, आप यूट्यूब पर कब से हो, आप तो अब सेलिब्रिटी हो गए हो वैसे। ड्रामेबाज जी मैं यूट्यूब पे जो है वो पिछले एक साल से हूँ, और इसके अलावा जो है वैसे जो मैं काम कर रही हूँ मतलब पाकिस्तान में वो तो मैं काम जो है कर रही हूँ, पिछले मीडिया में जो मैं काम कर रही हूँ, उससे पहले तो मैं काफ़ी अर्से पहले से काफ़ी काम कर रही हूँ, लेकिन मीडिया में जो मैं काम कर रही हूँ तकरीबन 3 से 4 साल से कर रही हूँ, डिफरेंट मतलब न्यूज़ चैनल्स वगैरह के साथ, न्यूज़ रिसर्च के तौर रिसर्चर के तौर पर, स्क्रिप्ट राइटर के तौर पर, बट यूट्यूब पे मैं एक साल से। कौन मैम? मैं आयशा फंडामेंटल वाली, पहचाना नहीं, पहचान कौन? आयशा कला नोर कितने चाइना ना भेजो उधर, मैं कौन हूँ? अरे दीवानो मुझे पहचानो, कहाँ से आई, मैं हूँ कौन, मैं हूँ आयशा, नाम तो सुना होगा यार, वाकई गोल्डन टेंपल कितना खूबसूरत है ना, बीबा मैं ठीक भाई जी, तुसी नहीं रीड करना साडा मैसेज, हाय हेलो मैं कर तो रही हूँ, दिनेश सिंह रनावत हाय दिनेश, मैं कर तो रही हूँ सबके मैसेज रीड, क्यों ना यार ऐसे तो ना करो, जस्ट क्लियर
टीवी चैनल पर मैं उसमें आई हूँ एज अ गेस्ट, काफ़ी उसमें आई हूँ पाकिस्तानी चैनल्स में, शोज़ में, और अभी रिसेंटली तो मैं कोई टीवी के लिए जो है वो नहीं कर रही। और मेरा ज़्यादातर अभी जो फोकस है वो यूट्यूब पे है। लाइक अगर मैं कोई काम भी करूँ या कुछ भी वीडियोस या वट एवर कुछ भी अगर कर रही हूँ तो वो मेरा ये है कि यूट्यूब के लिए, तो डिफरेंट क्वेश्चन। मैं हूँ मुझे आपसे मिलना है, मुझे कुछ तुमसे है कहना। और जो था कहाँ से आई, मैं हूँ आयशा क्राउन। सिरा जसप्रीत नहीं, मैं उसकी सिस्टर नहीं हूँ, कलीग थी। और अब नहीं, तो यू हैव कोल्ड, नहीं कोल्ड नहीं है, पता नहीं अभी जिसमें बाय बोलता, बस वही मैसेज रीड क्यों करते हो। हाँ ये भी वैसे सीरियस वाली बात है, वही मैसेज मुझे नज़र आता है सामने। ऐसा तो सी बहुत फनी मैं सुल्तान के नेवर गोना चेंज सॉन्ग पर रिएक्शन देती हूँ। ओके भी बची जेंटल, नहीं जी मैं नहीं, मैंने कोई एक्टिंग कोर्स नहीं किया। वो कहते हैं ना बचपन से ही एक्टर है, बचपन से ही ड्रामे पास है ना, तो मैं बस वही हूँ वो कैटेगरी में। मैं के पी के घुमा दो कभी टाइम कट के आई, तुम के पी के तो मनिंदर सिंह तुम कितों रहे हो आई दूसरो मैं सा तुम जो मिनट चैनल नो डियर व्हाई डिड यू लव द प्रीवियस चैनल। इस आंसर के लिए आप काइंडली मेरी पिछली जो है जो इससे पहले मैं लाइव आई थी उस पर वो वीडियोस देख लें। यू शुड टेक अप नोट दिस ओनली, ओके बाय टेक केयर। टेक अप अमृत विहार, समझ नहीं लगी। मुक्तसरिया मीडिया, हाय कैसे हो, गुड नाइट मैम, गुड नाइट, बाय मैम, बाय, हैप्पी बी हैप्पी, गुड नाइट जी। मेरा नेम बोलो, गुरप्रीत सिमरन। ओ की हाल है लवर वाले, हो लव फ्रॉम चंडीगढ़ पंजाब। असी ठीक हाँ, तुसी किस तरह दे हो, चंडीगढ़ सब चंगा, तुसी मैनू बहुत सोहने लगते। थैंक यू, आई एम फ्रॉम पंजाब इंडिया बट आई एम वेरी कीन टू नो अबाउट वेरियस कल्चर्स। ओ यस, के पी के जो है बहुत ही खूबसूरत है, उसकी बहुत सी जो है जैसे गिलगित हो गया, और जो है गिलगित तो के पी के में नहीं आता ईशा, या पेशावर के पी के में आता है, मानसहरा आता है, अहमदाबाद के पी के में ही आता है ना। हाँ यस, सो लेटेस्ट अपडेटेड यू आर नॉट लेटेस्ट, आप बहुत देर से आए हैं। फ्रेंकली स्पीकिंग डिड यू पाकिस्तानी, yes I am, is there any issue, do you feel boring in lockdown ma'am? not just boring, like ab to dil karta hai ghar baith ke ladun sabke sath. acha to fir hum chalte hain, phir kab milenge, jab tum kahoge. ram ji, ram mishra kis baat ka jawab nahi diya, go back and read my comment dear. kaun sa, dobara kar de, itni upar jaungi main. प्लीज़, और जेलदार साहब प्लीज़ दोबारा से कर दें। मंडी बहाउद्दीन के बारे कुछ जानते हो मैम आप? मंडी बहाउद्दीन के बारे में कुछ जानती नहीं, बस पंजाब का एक ज़िला है, शहर है, खैबर पख्तूनख्वा, या पख्तून माड़ा तुम, मैं बहुत पता है खैबर पख्तूनख्वा के बारे में। साढ़े लागे धोतियाँ पिंड हैगा, धोतियाँ भुगतियाँ तो नहीं, भुगतियाँ धोतिया नहीं। सारा हुसन पाकिस्तान पंजाब च रह गया मैम। लाहौर में कितने टाइम का लॉकडाउन है? 21 दिन का था और जो है कल ख़त्म हो रहा है वो, तो दुआ करना कि ख़त्म हो जाए और ये कोरोना भी ख़त्म हो जाए यार, ज़िंदगी जो है वो वापस जो है आए, उसकी रौनक बहाल हों और वापस सब चीज़ें जो है वो नॉर्मल हों।
कोर वाला मान न्यू सॉन्ग ऐसे लॉकडाउन में लूडो खेलते हो ठेके भी बंदा जी हाँ नीरज बिल्कुल व्हाट आर यू थॉट्स अबाउट इंडियन सच बोलना बिकॉज हेट नहीं करते इंडियंस के बारे में मेरे बिल्कुल वैसे ही थॉट्स हैं जैसे एक नॉर्मल इंसान दूसरी कंट्री वाले के बारे में सोचता है मुझे खुद जो है पर्सनली बहुत शौक है कि मैं इंडिया जाऊँ और जो है वहाँ की इतनी जो ज़बरदस्त सिटीज़ हैं वो देखूँ और इसके अलावा जो है उनके खाने खाऊँ और लोगों के बारे में मेरा कोई ऐसा ख़ास वो नहीं है पॉइंट ऑफ व्यू या व्यू क्योंकि मैं वहाँ पे जाके किसी से मिली नहीं हूँ किसी को पर्सनली ऐसा जानती नहीं हूँ जो मैं किसी के बारे में जजमेंटल हूँ जज करूँ या उनको बुरा कहूँ पर अगर आप मज़हब से रिलेटेड कुछ कहना चाह रहे हैं तो मुझे कोई इशू नहीं है मतलब सबका अलग मज़हब है सब अपनी अपनी अगर जो है उसमें दायरा कार में रहते हुए एक्सट्रीमिस्ट ना हो जो एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं चाहे वो हिंदू रिलीजन के हैं या चाहे इस्लाम के हैं वो किसी को भी नहीं पसंद होते मुझे भी नहीं पसंद है ना इंडिया के ना पाकिस्तान के जैसे बहुत से इंडियन जो हैं बहुत एक्सट्रीमिस्ट हैं तो वो बहुत ज़्यादा हेट प्रमोट करते हैं तो उस वजह से वो अच्छे नहीं लगते हैं बाकी नॉर्मल लोग बिल्कुल अच्छे लगते हैं इसी तरह इसमें पाकिस्तान के भी ऐसे ही हैं लाले दी जान ऐसे जब आप ब्लश करते हो तो बहुत क्यूट लगते हो सानू डेढ़ दस दो कि बब्बू मान सॉन्ग रिएक्शन कर देना व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट मैंने कोई मैसेज मिस तो नहीं कर दिया मैं 5 बार तो पहला भी लिख चुका हूँ बट तुसी रीड नहीं किया बेबी और सॉरी सोचो हूँ बहुत टाइम हो गया ही टाइम हो गया 11 बज गए बारी वाला क्या बारी वाला व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ तकल्लुफ़ तकल्लुफ़ का मतलब होता है कि डोंट बी फॉर्मल बी बे मुंडिया नाल रंजीत राजनीति महंगी पहनती है धोतियाँ पिन ये कौन सा विलेज है धोतियाँ नहीं आई थिंक भुक्तियाँ कह रहे होगे ये भुक्तियाँ इधर है ना एरिया है कोई लाहौर के पास जी मैम आपकी वीडियो बनाए परिचय पर ओके जी मोहम्मद हसन आयशा क्या आप कभी फॉरेन ट्रिप पर गए हो मैं जो है ट्रिप पर तो नहीं फॉरेन जो है ट्रिप पर तो नहीं गई हूँ अभी तक आसी फैन ना आयशा मैडम दी लव यू रंजीत सिंह कट्टर सोच वाला बहुत बुरे लगते हैं जी बिल्कुल तो चाहे किसी पॉलिटिकल पार्टी की भी क्यों ना हो तुसी ओनली जो रिएक्शन वीडियोस लाई एफर्ट दे रहे हो बाकी तो बनाई बिरयानी खाने आते हैं ये इमोजीज का क्या मतलब है दिनेश लव योर एक्सप्लेनेशन अबाउट इंडियन रिलेशंस विद पाकिस्तान इस टाइम कितने हो तुसी मैं स्टूडियो कोई बात एक्सपीरियंस है बैड एक्सपीरियंस कर लो लाइफ का बैड ही क्यों करना है कोई गुड करो बैड तो बहुत है बहुत अच्छी वीडियो है अमित भड़ाना की मैम प्लीज़ ओके पाकिस्तान और इंडिया से जो है वो 30 मिनट्स का डिफरेंट है लाइक अगर यहाँ पे 11 PM हो रहे हैं तो वहाँ पे 11:30 PM हो रहे होंगे आप लोग हमसे 30 मिनट्स आगे हैं खालिस्तान या कितना टाइम हो गया किसको गुड नाइट स्वीट ड्रीम्स अपना ख्याल रखना थैंक यू व्हाट इज़ द बेस्ट यार ये जो सवाल करते हैं ना डिफरेंट डिफरेंट ये लोग मुझे बहुत अच्छे लगते हैं व्हाट इज़ द बेस्ट डायलॉग ऑफ संजय दत्त मैम डू यू नो अबाउट हिम या 50 तोला यू नो 50 तोला उसका था ना वो यार वो वाली फिल्म मेरी याददाश्त कमजोर है प्लीज डोंट माइंड वो फिल्म हथियार थी शायद हथियार होगी 50 तोला या वो बहुत अच्छा था इसके अलावा संजू बाबा के और बहुत से डायलॉग हैं पिंड का ना दस्यो सीरियसली सारे आई लव यू मैम अभी कैरी मिनाटी का स्ट्रीम भी देखना है ओके जी मेरा सलाम कहना कैरी को वास्तव ओ यस थैंक यू यस वास्तव संजू बाबा की तो क्या ही बात है ही इज लव और
हम उनकी जो मूवी आई थी जो रणबीर सिंह की जो थी संजू, तो मेरी फ्रेंड की तब शादी थी, मेरी क्लोज फ्रेंड बेस्ट फ्रेंड की, तो हम लोग जो है मैं उसकी मेहंदी थी और जो है हम सारी गर्ल्स जो थी वो सबको रात को मेहंदी वाले दिन सुला के बहरिया टाउन में, शी लिव्स इन बहरिया टाउन इन लाहौर, तो हम सबको रात को सुला के और रात के हमने कहा कि ना 2 बजे वाला शो देखेंगे। हमें नहीं पता था कि वो 2 बजे वाला शो सिर्फ सैटरडे को लगता है, और हम जब सारे प्रिटेंड किया हमने कि हम सो गए हैं, हमने जल्दी सोना है, और जब हम सब सो गए, सब लोग सो गए, हम पिछले वाले दरवाजे से गाड़ी में जाके इतनी दूर ढूंढ के सड़कों पे, और हमने वहाँ ढूंढा, जब सिनेमा गए तो पता चला कि वो सिर्फ 2 बजे सैटरडे को लगती है, और हमें बहुत दुख हुआ। डीजे वाले बाबू आप कहाँ चले गए थे, वी मिस्ड यू यार, मतलब गाने सुनने थे हमने। डीजे वाला बाबू हो गया जिंदा देखिए लोग भी पूछ रहे हैं कि डीजे वाला बाबू हो गया जिंदा यार। अभी एक ना वो नया वाला गाना आया है, वो चेक कीजिएगा क्या बना है उसका, करबी वाला हो गया। हाँ वो वाला लगाए अभी अभी जो है ना, वो यूट्यूबर्स का वो जो है गाना मैं देख रही थी, वो नया आया है, वो सुनते हैं, वो कोरोना से लॉकडाउन से रिलेटेड वो सुनते हैं। उसके बाद जो है यार वो प्रीतम मेनल ब्याह कर दे, ऐसे कहेंगे तो प्रीतम ने नस नस ही जाए। चंगा डीजे वाले बाबू आप प्लीज काइंडली बातें कम करें और गाना चला दीजिए, इधर भी चला ना इसके बाद हम सुनेंगे प्रीत वाला गाना। काट लेने मैंने, और सिरा मैंने बोला तो 50 तोला वो वास्तव का था, मुझे पता चल गया था डीजे वाले बाबू आपकी सैलरी कट जाएगी, स्टॉक गिर रहा है मार्केट में आज, मैं तो गाना लगा के वो सुने। और संजय दत्त का और सनी देओल का गाना था ये 2.5 किलो का हाथ जिसे पड़ता है ना उठ जाता है, उठता नहीं उठ जाता है। और अमरदीप गिल हाय सुल्तान के नेवर जाने आधा हेच कर देते, इसे 0.5 है ना तो 0.3 का हेच कर देते हैं और कुछ नहीं। बंदा हेच में लोगे 24 से करे हेच में 20 से करे हेच से या ऐसे जी कुलविंदर बिल्ले का सॉन्ग है टाइम टेबल दो सॉन्ग का रिएक्शन जरूर दे हो देखना ऐसे प्रीतो प्रीतो
रस जो मेरी क्रश फ्रॉम बैंक ऑफ थाईलैंड हाय साजी क्या हुआ
अच्छा जो एक नशा है हाय अल्लाह। बहुत से लोग इस दौरान लाइव आए थे, हाय कह रहे थे, हेलो कह रहे थे, अस्सलाम वालेकुम कह रहे थे उन सबको मैं नाम तो हॉर की कैमी भाई अर्सविंदर ओके जी मान लाडे ये लोना नहीं फिर असी जाइए कुड़िए मान ला दे बबू मान ला दा लास्ट टाइम तुहानू घर दिया नी कड्डो कुत्तिया सी अल्लाह ना करे यार कर ला फिर सलाह सलाह ही कदा तार सुन सुल्तान 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 कौन सा सुल्तान का बस तुसी एडा ही सोने सोने रिएक्शन दे जाओ सॉन्ग्स ते साडे वालों फुल सपोर्ट है जी नीरज धनुआ थैंक यू डियर हाय सतनेश परब डेंजरस स्ट्रेंथ रिएक्शन ओके इफ यू डोंट माइंड यर जी जरूर जेलदार साहब बताइए आई नेवर माइंड ये कैमी आपने पता नहीं क्या हिंदी में लिखा है मोहम्मद अबूबकर एमवे का हमने गाना सुन लिया यू आर लेट अब जो है कोई और बताओ गाना कोई और कौन सा सुने धीरे धीरे से काट रही है मुझे बांट रही है तुझसे ये दूरिया क्या बताते क्या ऐसे खाना क्या प्यार ये बता दे क्या प्यार नहीं था बताओ कहने का तुझे दिल क्यों दिया आपके गानों को तकलीफ देने के लिए माजरत पर मुझे कभी कभी शौक चढ़ता है गाना गाने का आपकी वजह से वो वाला चैनल अनसब्सक्राइब कर दिया विक्की बग्गा हाय अगर मैं इस पे कहूँ कि प्लीज़ ऐसा मन नहीं है वो तो मतलब मुझे खुशी है लेकिन अगर आप ना भी करते तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता ये भी सच है गाना चेंज सॉन्ग लगा दो मैं कोई डीजे वाली बात हूँ व्हाई आर यू सो डेंजरस लगाओ हाई ये कौन सा अहमद शेडो बाय सिंगा भाई कितनी रिक्वेस्ट आ रही है किसकी प्ले करूं किसकी प्ले ना करूं समझ नहीं लग रही कौन सा लगाऊं कौन सा ना लगाऊं टाइम टेबल आई लव यू दिलो ये दिलो कौन है Why are you so gorgeous? So guys, I think it's time to say goodbye or see you next time or next time जो है मैं इंस्टाग्राम पे भी लाइव आऊँगी तो please guys stay tuned do follow me on Instagram Aisha Ashu 3681 यानी AYESHU 3681 और जो है वहाँ पे भी लाइव आऊँगी और please guys do support me और इसी तरह अपना प्यार मोहब्बत और यूँ दिखाते रहिए और आते रहिए देखते रहिए फंडामेंटल और हम जो है आपके साथ आके और आपके लिए वीडियोस बना के हम भी फील करते हैं एनर्जेटिक और एंटरटेन तो आप भी प्लीज़ इसी तरह से खुश हुआ कीजिए मज़े कीजिए हमारे साथ और फंडामेंटल की तमाम वीडियोस को प्लीज़ देखा करें और सपोर्ट करें क्योंकि हमें आपकी मोहब्बत और आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है क्योंकि आप हैं तो ही हम हैं और अभी कोई लेटेस्ट मैसेज स्टे सेफ विक्की बग्गा या यूट्यूब बलबीर सिंह बाय बाय गाइस मैम डू यू लाइक क्रिकेट या बट अब इतनी नहीं देखती पाकिस्तानी जो है ना वो भी इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे कुछ ऐसा सोचती है इसे मुझे शायद अफ्रीकी पसंद आता है मैं गाना चेंज बाय सुल्तान बाय 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 डियर्स बाय 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 स्टे सेफ यू टू गुड नाइट इंस्टा आईडी किया ओ ए वाई ई एस एच ए यानी कि आयशा आशु ए एस एच यू 3681 हेलो जी पंकज कुमार अपडेट हो गए अमरदीप गिल वीडियो शुरू से पूरी देख लीजिएगा एंड यू गेट योर आंसर ओके बाय जी सो जाओ ओके बाय जी टेक केयर लव यू स्टे ब्लेस्ड टेक केयर स्टे सेफ टाटा बाय बाय सी यू इसको बंद करूँगी क्या वो
ऐसे करेंगे बाय 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 बाय।